ही थम रही चाचा और भतीजे के बीच सियासी जंग। चाचा के पार के बाद अखिलेश यादव ने किया पलटवार। शिवपाल यादव पर अखिलेश यादव ने कर दी इतनी टिप्पणी, चाचा को पांडवों के इस दुश्मन के जैसा अखिलेश ने बताया। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सियासी कुनबे की लड़ाई है कि थमने का नाम नहीं ले रही। चाचा और भतीजे के बीच की सियासी जंग खत्म होने की बजाय बढ़ती ही जा रही है और अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की इस लड़ाई का मजा विरोधी जमकर ले रहे हैं। विरोधी जहां चुटकी ले रहे हैं तो वहीं चाचा भतीजे एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं। कोई किसी को कंस बता रहा है तो कोई पांडवों के सबसे बड़े दुश्मन से तुलना कर रहा है। अखिलेश यादव को शिवपाल सिंह यादव बिना नाम लिए कंस कहा तो फिर अखिलेश यादव भी अब गुस्से से विपरीत दिखे। जब शिवपाल सिंह यादव को लेकर उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने जो कहा वो हर किसी को चौंका गया। शिवपाल सिंह यादव पर अब तक अखिलेश यादव ने कभी ऐसी टिप्पणी नहीं की थी, लेकिन इस बार ऐसा दिख रहा है कि अखिलेश यादव ने चाचा के ही अंदाज में चाचा पर वार किया है। चाचा ने बिना नाम लिए जो संज्ञा दी थी वो कुछ वैसी ही अखिलेश यादव ने किया और दुर्योधन करार देते हुए चाचा पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने महाभारत का जिक्र करते हुए चाचा पर तंज कसा, हालांकि उनके पलटवार पर अभी तक शिवपाल की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि शिवपाल सिंह यादव चुप बैठने वाले नहीं हैं। चाचा की संज्ञा पर जब अखिलेश यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि आप सब लोग जानते हैं कि दुर्योधन ने क्या मांगा था। महाभारत की लड़ाई में उनसे पूरी सेना मांग ली, लेकिन जीत उसी की हुई जहाँ पर भगवान कृष्ण खड़ी थी। ऐसा कई बार हुआ है, सपा प्रमुख ने अपने पलटवार में किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इस बयान से बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि उन्होंने कंस के जवाब के तौर पर उनके चाचा की तुलना दुर्योधन से की है। तुलनाओं के बार पलटवार की शुरुआत जन्माष्टमी के दिन से हुई, जब शिवपाल सिंह यादव ने यदुवंशियों के नाम एक चिट्ठी जारी की और उसमें उन्होंने गीता के साथ कंस का भी जिक्र किया गया। उन्होंने चिट्ठी में लिखा था कि जब भी कोई कंस अपने पिता को छल बल से अपमानित कर पद से हटाकर आदित्य जमाता है तो धर्म की रक्षा के लिए कृष्ण अवतार जरूर लेते हैं। वो अपनी योग माया से अत्याचारियों को दंड देकर धर्म की स्थापना करते हैं। शिवपाल ने अपनी चिट्ठी में कहीं भी अखिलेश यादव का नाम तो नहीं लिया था, लेकिन सपा प्रमुख और उनके पिता मुलायम सिंह यादव के बीच जो भी कुछ हुआ उसके परिपेक्ष में उन्होंने ये बात कही थी। चिट्ठी की अंतिम पंक्तियां कविता के रूप में थी। लिखा था कि शिवपाल यादव धर्म ध्वजा उठाकर कर्तव्य पथ पर निकल चुके हैं, यदुवंशी उनके साथ आने में कहीं देर ना कर दें। विवाद को शुरू हुआ सालों हो गए, उम्मीद थी कि विधानसभा चुनाव के बाद ये सब खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो ना सका। अखिलेश और शिवपाल के बीच यूपी चुनाव के बाद से ही तनातनी है। चुनाव में शिवपाल जसवंत नगर से लड़े और जीते भी, लेकिन उसके बाद भी दोनों के संबंध तल्ख हो गए कि शिवपाल को बाहर का रास्ता तक दिखा दिया गया और तभी से दोनों नेताओं के बीच एक दूसरे पर बार पलटवार करने का सिलसिला जारी है। शिवपाल यादव भतीजे पर वार करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं, तो वहीं अखिलेश यादव भी चाचा को जब भी मौका मिलता है आड़े हाथों ले ही लेते हैं। ये रार कब थमेगी कहना मुश्किल है, लेकिन दोनों की नूरा कुश्ती का मजा विरोधी दल जमकर ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।